तो भाई अभी मैं इन दोनों के बाल कटाने आया हूँ, श्रेयस के और सिद्धांत के। इनके बाल एकदम अलग तरीके के कटवाने वाला हूँ, दिखाऊंगा कैसे कटवाने वाला हूँ। श्रेयस के बाल कट रहे हैं और अभी सिद्धांत के बिल्कुल हमने एक नंबर मशीन लगवाई है, तो बिल्कुल छोटे छोटे हो गए हैं। सही है, सही लग रहे हैं। जब नहाएंगे ना तब लगेंगे असली, वो बढ़िया ठंडा ठंडा महसूस होगा। वो वैसे बड़े जब हो जाएगा ना, जब 10वीं 12वीं में पहुँच जाएगा, पढ़ाई वढ़ाई कम्प्लीट हो जाएगा, तब मेरी तरह कर लियो ऐसे बड़े बड़े, खूब बड़े बड़े, ठीक है भाई। अब श्रेयस का नंबर आ चुका है और श्रेयस के भी एक नंबर मशीन लग रही है। श्रेष्ठ और लौंडा चमक गया भाई लड़का, ठीक है भाई। इसकी भी हमने कटिंग सेम कराई है, दोनों की सेम कटिंग करा दी है। ऐसी क्यों नहीं कराई, ऐसी ऐसी जब बड़े हो जाएंगे तब कराएंगे, ठीक है। कटिंग मास्टर और दादा को दिखाओ, दादा को चुप्पा छुड़ी हूँ, चुप्पा। ये बात दादी को दिखाओ, दादी को दिखाओ, चलो मम्मी इसका हल्का सा यहाँ से कट गया, ये हिल गया। ये क्या कर दिया, ये भगवान ऐसे बोले थे कि बाल काटने के लिए आपको। एक नंबर कटिंग है, एक नंबर कटिंग। चलो ना, चलो ना ही नहीं कराऊं, ना ही नहीं आओ। अरे वो तो मेरे पीछे पीछे आनी चाहिए और जीरो नंबर बुनी चाहिए, जीरो से ऐसे भी छुट्टू ना। मुझे पता है जीरो क्या हूँ, जीरो क्या हूँ। हमें तो एक ही नंबर करा है। हाँ, आप मेरे बच्चे चल बोली दोने, भाई ने बोली, भाई तो ना गया। चलो ना, ना ही नहीं कर लो। नहीं नहीं आ जाएंगे। मुंह पर टेप चिपका के रखेंगे। बाल उखड़ जाएंगे। अरे निकाल दिया। टेप कराओ भाई। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बहुत अच्छा ब्लॉग बनाने वाले हैं और वही ये ब्लॉग बनाएंगे हम कि हम बाबू का एडमिशन कराएंगे स्कूल में और उसकी ड्रेस भी आएगी, बैग भी आएगा, बुक्स भी आएंगी, ये सब चीज़ आएंगी, तो फिर वो स्कूल जाएगा। और हाँ दोस्तों, स्कूल से बात मैं बताऊं कि आज सिद्धांत स्कूल नहीं गया क्योंकि स्कूल इसका जाने का मन नहीं था, तो मैंने कहा कि चल आज मत जा, है ना। तो बहुत जल्दी इनके बाल पूरे प्रॉपर तरीके से बढ़ जाएंगे, तब हफ्ते दो हफ्ते। हाँ तब ये हैंडसम लगेंगे जैसे पहले लगते थे, बट अभी भी ठीक ही लग रहे हैं मुझे दोनों के दोनों। मेरे इन दोनों तो बड़े बाल हैं। गिल्ली पकड़ सकता। इसको फरीदाबाद जाने का बहुत शौक है, फरीदाबाद में मेरी सिस्टर रहती है, इसकी बुआ रहती है, तो ये बार बार फरीदाबाद ही सोचता है कि फरीदाबाद जा रहे हैं हम। फरीदाबाद कल से ये स्कूल जा करके वहाँ मस्ती करेगा बहुत ज्यादा, है ना। बोलो क्या क्या है वहाँ पर, और हाँ अच्छा डेक्स और क्या है, और कुछ नहीं। और खेलोगे भी वहाँ आप, लंच भी लेके जाओगे। ठीक है, और मैडम को जब सुसू आएगी तो क्या बोलोगे, ऐसे बोलना मैडम सुसू आ रही है, मे आई गो टू टॉयलेट, मैडम टॉयलेट आ रही है, ऐसे बोलोगे ना। ठीक है, बोले। क्या बोलेंगे बच्चे, सुसु बोल ले। हाँ। फिर आप क्या बोलोगे, टॉयलेट बोल, टॉयलेट। हाँ, और जब घर आओगे, जब भूख लगेगी तो क्या बोलोगे आप। पापा चले गए हैं बाबू का बैग लेने, तो पापा मम्मी का फोन लेके गए हैं, मैं अपना फ़ोन यहीं छोड़ के गए हैं क्योंकि मैं ब्लॉग बना लूँगा तो
ठीक रहेगा। तो बाबू बाबू भी वेट कर रहा था बहुत देर से। बाबू को कैसे बैठ रखा है? अभी आने वाला है बैग। क्या सोच रहे हो? और बुक्स भी लाएंगे पापा आपके लिए? अच्छा, देखते कब आता है आपका बैग। देखें अभी आ जाएगा लग रहा है। देखते कब आता है आपका बैग। आप और क्या सोच रहे हो? अच्छा, आप ये भी सोच रहे हो कितने बजे आने वाला है? अच्छा, फ्रेश का बैग और इसका एडमिशन मैंने करवा दिया है। और अच्छी बात यह है कि इसके साथ साथ इस बैग में इसकी ड्रेस भी है। आपको ड्रेस भी दिखाऊंगा मैं। आपकी ड्रेस भी आई है, बैग भी आ गया और इसमें बुक्स भी आई है। आओ मेरे पास, यहाँ पे बैठ सकते हैं। अच्छा, दिखाऊं आपकी ड्रेस? तो पिटारा खुलने वाला है और मेरा बाबू की ड्रेस आप लोग देखने वाले हो। ये है बाबू की ड्रेस और साथ में ये बाबू की टाई। ये टाई मैं लगा लेता हूँ। मैं लगा लूँ? मेरे पे टाई। हाँ, इनकी ड्रेस ऐसी होगी, शर्ट ही है, चेक वाली। और ये मिली है बुक्स। कितनी सारी बुक्स मिली है। स्टार्ट भी हुई है अभी से मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सब मिल गई, सब सारी बुक्स मिल गई। डायरी भी मिल गई इसको तो। ओ वाह, डायरी में क्या लिखेगा भाई? तो छोटा बच्चा। मम्मी वो मैम लिखवाती है डायरी? तो मैम लिखती है। हाँ, छोटे बच्चों की तो मैम ही। हाँ, मैम लिखूंगी। हाँ, बढ़िया है। सिद्धांत, अब इसको राइम सिखानी है तुमने, बहुत अच्छी अच्छी जो इसमें बुक्स में है। ठीक है, अब आपको अच्छा लग रहा है? कलर वाली, और साथ में एक शॉर्पनर मिला है। पेंसिल भी नहीं मिली भाई? पेंसिल हम दिला देंगे। कल मैं मॉल से श्रेष्ठ के लिए और सिद्धांत के लिए एक खिलौना लेकर के आया हूँ। और वो खिलौना क्या है इन्हें अभी पता ही नहीं है। मैंने रात से संभाल के रखा हुआ है। अभी पूजा को बोला है मैंने लेकर के आया हूँ और इन्हें दिखाएगी। दिखाओ, ये लाया मैं आप दोनों के लिए। खोलो से। ये क्या है? बताओ। इससे नीचे खेलेंगे। नीचे इसे रखना है और फिर इसको गिराना है बॉल से। कल मैं अपने बच्चों के लिए ये लेकर के आया था रात के टाइम मॉल से। पूजा में गए हुए थे, इनको बताया भी नहीं हमने, क्योंकि सुबह इसको स्कूल मेरे को लेके जाना था, लेकिन स्कूल तो मैं ले गया नहीं। बस आपको पता ही है, स्कूल की ड्रेस वगैरह लेकर के आया हूँ और साथ में ये लेके आया। सुबह सुबह मैंने इन्हें दिखाया नहीं और अब मैंने इन्हें दिखाया क्योंकि लंच टाइम हो रहा है। तो मैं कहा चलो बच्चों को दिखा देता हूँ और इनको खिला देता हूँ। वहाँ पे जहाँ पे बॉटल है ना, वहाँ लगाने हैं सारे के सारे। सारे अब बॉल इधर ले आओ। एक बॉल आपकी, एक बॉल उसकी, उसकी। हाँ, क्योंकि छह लाइन है, इससे आगे नहीं जाना और वहां फेंकना है। वो सारे गिराने हैं आपको। ओके, गिराओ। तो अब सिद्धांत की बारी। ऐसे गिराने, ठीक है? दोबारा लगाओ। अब से इसकी बारी। अच्छी लग रही है। मारो श्रेष्ठ फिर दोबारा। ये श्रेष्ठ से एक भी नहीं गिरा। दोबारा अब सिद्धांत की बारी। ओ अब नहीं गिरा भाई, अब दो गिरे ऐसे। देंगे, देखते हैं पापा मार पाते हैं कि नहीं। ये बस तीन गिरे। अगर ना दो बार अगर हमने करा और सारे गिर गए तो हो जाएगा, मतलब मैच ड्रॉ हो जाएगा, फिर दोबारा चांस मिलेगा। ये अब आपकी बारी। अब सिद्धांत की बारी है।
देखते हैं सिद्धांत गिरा पाता है फिर से या नहीं, या पहली बार में उससे तुक्के से गिर गए थे। चलो अब आप गिरा दो, ये चारों गिरा दो। चलो श्रेयस की बारी, फिर एक फाइनल होगा, एक फेंको। ओ दो गिराए श्रेयस ने। अब मेरी बारी, चलो आओ ऊपर चलें खाना खाने। हाँ ठीक है।